सीओ साहब ध्यान दीजिए, बामोर खुर्द सरपंच विकास कार्यों में जमकर कर रहे भ्रष्टाचार, नहीं हो रही कार्रवाई। जिले की ग्राम पंचायत बामूर खुर्द में सरपंच के द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बिना विकास कार्य किए या अधूरे विकास कार्यों को कराकर एक बड़ी शासकीय राशि को निकाला जाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जनसुनवाई में शिकायत के दौरान ग्रामीण संतान सिंह ने बताया कि ग्राम में नाली स्वीकृत हुई थी, लेकिन सरपंच ने नाली ना बनवाकर राशि का आहरण कर लिया। तो वहीं कंजवाहा के लिए रोड डलवाई गई तो पहली ही बारिश में वो खड़ गई और इस रोड पर किसी तरह का रोलर नहीं चलवाया गया था। रोड की दूरी 700 मीटर है और 1000 मीटर का बिल लगाकर राशि का आहरण कर लिया गया। आपको बता दें कि वहीं उत्तम के मकान से नई पंचायत भवन तक कोई भी रोड नहीं डाली गई, लेकिन रुपए जरूर निकाल लिए गए। साथ ही साथ इसी तरह अन्य जो कार्य हुए भी नहीं हैं उनके भी रुपए निकाल लिए। घटिया स्तर के निर्माण है, इनके द्वारा भी लाखों रुपए की राशि आहरण कर ग्राम विकास के नाम पर चूना लगा दिया। हमारे ग्राम पंचायत बामोर खुर्द में सरपंच द्वारा पंचायत के जो कार्य कराए जा रहे हैं उनमें जबरदस्त भ्रष्टाचार किया गया है। भ्रष्टाचार इस तरह से है कि पंचायत भवन जो बनवाया गया है वो पुन्ना पुत्र नंदा भीमर की जगह में, पर्सनल जगह में बनवाया गया है। उसका नंबर है 564, सर्वे नंबर 564 है और अवैध तरह से बनवाया गया है। इसको कोई शासकीय जगह नहीं है। उसके बाद उस पंचायत भवन के लिए जो RCC डलने थी उसका पैसा निकाल लिया गया। RCC का एक भी वहाँ बोरिंग डला है, बिल्कुल ज़मीन पर कोई वर्क नहीं है और इन्होंने फ्रॉड पूरा पैसा निकाल लिया है। उसके बाद अतिरिक्त कक्ष 2011 में बनवाए गए थे जिनका पूरा पैसा निकाल लिया गया है। उनका आज तक कोई भी काम पूरा नहीं हुआ है और किसी भी प्रधानाध्यापक के हैंडओवर नहीं है। स्कूल का जो अतिरिक्त कक्ष बनाए गए हैं इन्होंने जबरदस्त भ्रष्टाचार किया है। इसके बाद बामोर से कंजवाहा के लिए रोड डलवाया गया, उस रोड में 700 मीटर की दूरी का डलवाया, 1000 मीटर का पैसा निकाल लिया गया है।